चकराता के देवन मुंडाली लोखंडी में बर्फबारी देखने के शौकीन पर्यटकों के पहुंचने से जहां एक और क्षेत्रीय ग्रामीण काश्तकारों और व्यापारियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए भी चकराता की हसीन वादियां कश्मीर की वादियों से कम नहीं है। पर्यटक यहां पर बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बारिश बर्फबारी के बाद यहाँ की सड़कें तो खुल गई, लेकिन लोगों की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है। बता दें कि बंद सड़कों को खोलने के काम में लगी जेसीबी मशीन इस दौरान लोखंडी मार्ग NH 701 पर ए ड्यूटी पर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने मीडिया टीम को अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार लगातार हमारा शोषण कर रहे हैं। 6 महीने से ठेकेदार ने सैलरी नहीं दी, परिवार चलाने के साथ साथ बच्चों की फीस भरने में भी दिक्कत आ रही है। तो आइए जानते हैं कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा। चकराता से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। पहली बार यहाँ पर बर्फ देखने के लिए आए और हमारे पूरा मजा आ रहा है हमको, यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। हम 5 लोग हैं, मेरठ से आए हैं और हमें बहुत अच्छी बर्फ मिली यहाँ पे और फुल एंजॉय कर रहे हैं हम 5 लोग मस्त से। एक हमारा हो रहा मोटर 5 मिनट से हमारी सैलरी नहीं मिल रखी है और जब चाहे तो बुला लेते काम के लिए, जब नहीं चाहे तो हटा देते हैं और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है। अच्छी कैसे ठंड में हम रात दिन काम करते हैं और हमारी समस्या यही है कि टाइम से सैलरी नहीं मिलती है और हमारे साथ ज़्यादा ही शोषण हो रहा है। जब चाहे ठेकेदार लगा देता है, जब चाहे ठेकेदार तो हटा देता है।